सब्सक्राइब करें हमारे चैनल साइड बाय टेक को। आप सभी को हमारी तरफ से 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्षगांठ पर बहुत बहुत बधाई। और आपने पूर्व की भांति जो सहयोग दिया है, मैं समझता हूँ कि इस वीडियो को भी उसी हर्ष और उत्साह के साथ मुझे साहस प्रदान करेंगे ताकि मैं आपको नए नए वीडियो लाता रहूँ। तो फ्रेंड्स, आज के इस शुभ अवसर पर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आज का जीव विज्ञान का सेट 9, जो आधारित है हार्ट पर, कम्प्लीटली या हार्ट पर बोले तो हृदय पर आधारित है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? तो फ्रेंड्स, मैंने कल बताया था कि अशुद्ध रक्त हृदय में आता है, हृदय उसे फेफड़ों में भेजती है और फेफड़ों में अशुद्ध रक्त में ऑक्सीजन मिलते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड विमुक्त हो जाता है, जो हमारी सांस के द्वारा बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, रक्त का शुद्धिकरण हमारे फेफड़ों में होता है। शुद्धिकरण मीन्स बोले तो कि जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, जो कोशिकाओं से निष्कासित किया जाता है, ऐसे रक्त में ऑक्सीजन को मिलाना। यहाँ हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर, रक्त का शुद्धिकरण तो यकृत में होता है। जी नहीं, आप याद रखेंगे कि रक्त में जो भी अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उसका मूत्र के रूप में निष्कासन होता है, किडनी के द्वारा, वृक्क के द्वारा, गुर्दा के द्वारा, न कि उसमें ऑक्सीजन का मिक्सिंग होता है फेफड़ों की तरह। तो फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे, रक्त में ऑक्सीजन मिलाने का काम फेफड़ों में होता है, जबकि रक्त से अशुद्धि को छानने का काम बोले तो मूत्र के निर्माण का काम किडनी में होता है, वृक्क में होता है, गुर्दा में होता है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कौन सी गैस रक्त का शुद्धिकरण करती है? तो फ्रेंड्स, ऑक्सीजन गैस रक्त का शुद्धिकरण करती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। रक्त के शुद्धिकरण के फलस्वरूप किस गैस को सांस के रूप में छोड़ा जाता है? फ्रेंड्स, आप सभी को मालूम होगा कि हम सांस के रूप में वातावरण से ऑक्सीजन लेते हैं और जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो 4 कोष्ठक होते हैं। मैंने पहले के वीडियो, कल के वीडियो में बताया कि मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। ऊपरी 2 कोष्ठक जिसे अलिंद कहते हैं, निचला 2 कोष्ठक जिसे निलय कहते हैं, बोले तो 2 ऑरिकल प्लस 2 वेंट्रिकल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं? फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे, मानव हृदय में 4 कोष्ठक और 4 वाल्व होते हैं। फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, डॉल्फिन एवं ब्लू व्हेल के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे, ब्लू व्हेल समुद्री विशालकाय स्तनधारी प्राणी है जिसका हृदय भी हमारी भांति 4 कोष्ठक का बना होता है। मीन्स टू से 4 चैम्बर्ड हार्ट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन एंड ब्लू व्हेल प्लस डॉल्फिन। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, मगरमच्छ के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 4 कोष्ठक होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8, मेंढक एवं सर्पों का हृदय कितने कोष्ठक का बना होता है? 3 कोष्ठक का बना होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, मछली के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 2 कोष्ठक होते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 10,
सर्वाधिक हृदय किस कोष्ठक किस में पाया जाता है? बोले तो कॉकरोच या तिलचट्टा, जो कि आर्थ्रोपोडा संघ का एक जंतु है। और फ्रेंड्स, तिलचट्टा का बाह्य आवरण क्यूटीन नामक कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। इसमें श्वसन की क्रिया ट्रेकिया के द्वारा होती है एवं इसका हृदय 13 कोष्ठकों का बना होता है। तो बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, जार्विक सेवन क्या है? फ्रेंड्स, जार्विक सेवन कृत्रिम हृदय है। बोले तो आर्टिफिशियल हार्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया? फ्रेंड्स, हृदय प्रत्यारोपण बोले तो ट्रांसप्लांटेशन ऑफ हार्ट। तो फ्रेंड्स, याद रखेंगे प्रथम हृदय प्रत्यारोपण 3 दिसंबर 1967 को क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था, जो ग्रॉट्स सीवर अस्पताल केप टाउन दक्षिण अफ्रीका में सर्जन थे। तो जब भी बात आई फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांटेशन की, तो नाम आएगा क्रिश्चियन बर्नार्ड का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। फ्रेंड्स, ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है? तो हृदय की गतिविधि को दर्शाता है। ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ईईजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है? तो ईईजी मस्तिष्क की गतिविधि को दर्शाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, ईईजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रो एनसेफेलोग्राफी ईईजी का फुल फॉर्म होता है। तो फ्रेंड्स, हम कंफ्यूज कर जाते हैं ईसीजी क्या होता है, ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, ईईजी क्या होता है, ईईजी का फुल फॉर्म क्या होता है। और इसीलिए मैंने यहाँ दो क्वेश्चन आपको दे दिए हैं, जो कि मस्तिष्क की गतिविधि से को दर्शाता है। चूँकि दोनों में कन्फ्यूज़न होता है, यह चैप्टर हमारा चल रहा है हार्ट का, हृदय का, बट मैंने डिस्कस किया मस्तिष्क को, क्योंकि हम और आप बच्चे कभी कन्फ्यूज कर जाते हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द ईसीजी, बोले तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, एंड ईईजी बोले तो इलेक्ट्रो एनसेफेलोग्राफी। फ्रेंड्स, अब हम बात कर रहे हैं ईईजी क्या है। तो मस्तिष्क के कोशिकाओं द्वारा एक दूसरे के साथ संचार करने के लिए विद्युत आवेगों का उपयोग किया जाता है, जिसे ईईजी इलेक्ट्रो एनसेफेलोग्राम के नाम से जानते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18, पेसमेकर का संबंध किससे है? तो हृदय से है, हृदय में अस्पंदन को क्रिएट करने से है, अस्पंदन को इनिशिएट करने से है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, हृदय में उपस्थित प्राकृतिक पेसमेकर को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, इसे साइनोएट्रियल नोड कहते हैं। बोले तो SA नोड, और इसका काम होता है हृदय में अस्पंदन को शुरू करना, अस्पंदन को स्टार्ट करना, और इसके खराब होने की स्थिति में शरीर में पेसमेकर लगाया जाता है। तो आइए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पेसमेकर का क्या कार्य होता है? तो फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे, बिल्कुल याद कर लेंगे, साइनो एट्रियल नोड मीन्स SA नोड हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर है। विद्युत आवेश उत्पन्न करने की क्षमता के कारण यह हृदय के चालन तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। या सामान्य स्थिति में प्रति मिनट 60 से
100 विद्युत उत्तेजना उत्पन्न करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, हृदय की ध्वनि का हृदय की धड़कन को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है। तो हृदय की ध्वनि या धड़कन को स्टेथोस्कोप के द्वारा मापा जाता है। आपने देखा होगा डॉक्टरों को कि जब भी आपको श्वास संबंधी कोई तकलीफ होती है या कई प्रकार की बीमारियों में हृदय की कार्यविधि को अनुभव करने के लिए डॉक्टर आला का प्रयोग करते हैं, जिसे अंग्रेजी में स्टेथोस्कोप कहते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 22, एक धड़कन में लगने वाला समय क्या होता है फ्रेंड्स? 0.8 सेकेंड। इसका राइट आंसर है, हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? फ्रेंड्स आप याद रखेंगे वह है थायरोक्सिन हार्मोन। मैंने बताया था अंतःस्रावी ग्रंथि में कि यह अवट्टू या थायरॉइड ग्लैंड से स्रावित होती है, जो हमारे गर्दन वाले भाग में होता है, जो ग्रंथि तितली के आकार का होता है या बोले तो अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर एच से पेंट होता है। और मैं आपको फिर बता दूं, थायरोक्सिन में आयोडीन नामक हार्मोन होता है। हमारे शरीर में आयोडीन की कमी से घेघा या ग्वाइटर या गंडमाला रोग होता है और गर्दन में यह ग्रंथि फूल कर लटकती रहती है। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का हृदय होता है तो मनुष्य का हृदय कैसा होता है? मायोजेनिक मीन्स मांसल होता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, हृदय की धड़कन से आप क्या समझते हैं? तालबद्ध संकुचन और हृदय की शिथिलता को हृदय की धड़कन कहते हैं। फ्रेंड्स हमारे हृदय में हमेशा कंट्रैक्शन और डिलेशन की क्रिया होती रहती है। जब हमारा हृदय सिकुड़ता है तो क्रमशः अशुद्ध रक्त फेफड़ों में जाता है और शुद्ध रक्त हृदय से निकलकर धमनियों के द्वारा पूरे शरीर में जाता है। इसी प्रकार अगर हृदय शिथिल होता है, मींस टू से रिलैक्सेशन की स्थिति में आती है, तो शरीर का अशुद्ध रक्त हृदय में आता है और फेफड़ों का शुद्ध रक्त हृदय में आता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है, मनुष्य के शरीर की सबसे व्यस्ततम पेशियां कौन सी है? तो फ्रेंड्स आप देखेंगे कि मनुष्य का हृदय सबसे व्यस्त अंग कहलाता है और यह बना होता है सबसे व्यस्ततम पेशियों का, जिसे कहते हैं हृदय पेशी या कार्डियल मसल। तो फ्रेंड्स चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन के पास, हृदय की धड़कन का सामान्य से अधिक होना क्या कहलाता है? तो टेकार्डिया मीन्स बोले तो हिंदी थोड़ा सा क्लिष्ट होता है, हतक्षिप्तता कहते हैं। तो फ्रेंड्स आप इसे याद रखेंगे, हमारा क्वेश्चन नंबर है 28, हृदय की धड़कन का सामान्य से कम होना। अभी मैंने बताया कि हार्ट बीट का सामान्य से अधिक होना टेकार्डिया कहलाता है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं हृदय की धड़कन का सामान्य से कम होना मंद नाड़ी ब्रेडिकार्डिया कहलाता है। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर, एक मिनट में हृदय कितनी बार धड़कता है? तो 72 प्रति मिनट हृदय की धड़कन होती है, हार्ट बीट होता है। अब फ्रेंड्स अब हम लोग जानेंगे क्वेश्चन नंबर 30, मनुष्य का हृदय एक मिनट में कितनी लीटर रक्त पंप करता है? हमने बताया कि हृदय को पंपिंग ऑर्गन भी कहते हैं, पंपिंग अंग भी कहते हैं। तो यह 5 से 6 लीटर प्रति मिनट की दर से हृदय को पंप करता है। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, दिल का दौरा किस कारण से होता है? तो फ्रेंड्स कई ऐसे कारण होते हैं, हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी की वजह से या बोले तो हाइपरटेंशन की वजह से, मिष्ट से अगर हमारे शरीर का सामान्य रक्त दाब जो कि 120
ATMMSG होता है उससे अगर बढ़ती है तो हाइपरटेंशन की स्थिति बनती है। आगे हम पढ़ेंगे कि इसके कारण दिल का दौरा पड़ता है, इसके कारण हमारे किडनी, हमारे मस्तिष्क खराब हो जाते हैं, अर्थात इनकी सक्रियता घट जाती है। अतः जरूरी है कि हम ब्लड प्रेशर को 120/80 mmHg के आसपास रखें। लगभग 40 वर्ष की उम्र के बाद मनुष्यों में रेगुलरली नियमित रूप से रक्तदाब के जांच की आवश्यकता होती है और रक्तदाब को सामान्य बनाए रखने के लिए कई प्रकार के योग, कई प्रकार की दवाइयों का उपयोग किया जाता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 32, एक सामान्य मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? फ्रेंड्स मैंने पहले बताया 120/80 mmHg होता है। फ्रेंड्स आप इसे एचजी पढ़ेंगे, पारे के स्तंभ के बराबर होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तदाब का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? तो रक्तदाब का नियंत्रण अधिवृक्क ग्रंथि या एडिनल ग्रंथि करती है, जिस ग्रंथि से आपातकालीन हार्मोन निकलते हैं, जीवन रक्षक हार्मोन निकलते हैं, लड़ो या उरो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, एड्रेनलिन ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन एड्रेनलिन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, हृदय की ध्वनि क्या होती है? तो हृदय में दो प्रकार की ध्वनि होती है फ्रेंड्स, एक होता है लव, दूसरा होता है डब। प्रथम ध्वनि को लव कहा जाता है, द्वितीय ध्वनि को डब कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, हृदय का रक्तदाब किसके द्वारा मापा जाता था? फ्रेंड्स रक्तचाप मापी या अंग्रेजी में बोले तो स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा हृदय के ब्लड प्रेशर, बोले तो बीपी को मापा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, रक्तचाप का सामान्य से अधिक होना क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स मैंने बताया कि अगर बीपी अधिक हो जाए तो क्या होता है, बीपी अधिक हो जाए अर्थात 120/80 से, और मान के चले 140/160 और कितने लोगों में तो इससे भी अधिक होता है। बट अगर यह सामान्य है, इससे अगर अधिक होगा तो उस स्थिति को हम कहते हैं हाइपरटेंशन। फ्रेंड्स हम याद रखेंगे हाइपरटेंशन में क्या होता है, धमनियों में रक्त का दबाव, द प्रेशर ऑफ द ब्लड बढ़ जाती है, यानी हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप की स्थिति बन जाती है। हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, रक्तचाप का सामान्य से कम होना क्या कहलाता है? हाइपोटेंशन कहलाता है फ्रेंड, हाइपोटेंशन। और अगर हाइपर है, अधिक है बीपी तो हाइपरटेंशन, अगर बीपी लो है तो हाइपोटेंशन। फ्रेंड्स आप भी इसे याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि हाइपरटेंशन के कारण किस अंग को क्षति पहुंचती है? तो हाइपरटेंशन मीन्स हाई बीपी, और हाई बीपी के कारण हमारे शरीर के किडनी, मस्तिष्क को क्षति पहुंचती है और अन्य बीमारियों का भी खतरा बढ़ जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, विश्व स्वास्थ्य संगठन बोले तो WHO के अनुसार दुनिया भर में समय से पहले मौत का प्रमुख कारण है हाइपरटेंशन। हम फ्रेंड्स यहाँ डिस्कस करें कि हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि हम समय रहते उक्त रक्तचाप के लक्षणों के बारे में नहीं जान पाते, हमारे समाज में इसके लिए जागरूकता की आवश्यकता है, पूरे विश्व स्तर पर इसे उच्च रक्तचाप दिवस के रूप में मनाया जाता है। उच्च रक्तचाप और उसके लक्षणों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल 17 मई को वर्ल्ड हाइपर
एक्सटेंशन डे मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स इसे भी आप याद रखेंगे। अब हम देखते हैं थोड़ा सा कि हाइपरटेंशन की वजह से दुनिया भर में मौतों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है। और फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं कि हमारे फिल्म अभिनेता अत्यधिक जिम का प्रयोग करते हैं, उनकी पेशियों में उनकी कोशिकाओं में अत्यधिक खिंचाव होता है। एक उम्र होती है जिम में जाने की, एक उम्र होती है व्यायाम करने की, बट वे अकस्मात क्या करते हैं कि कभी 1 किलोमीटर दौड़ लिए, कभी 5 किलोमीटर दौड़ लिए। तो फ्रेंड्स मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि ऐसा करने से उनकी हृदय की गति जो कभी 72 बार प्रति सेकंड धड़कती है तो कभी 100 हो गया, कभी 160 हो गया, और न जाने वे बहुत सारी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। कई अभिनेताओं के साथ ऐसा ही हुआ है, मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता। आप बखूबी उन लोगों को जानते हैं कितने शिकार हुए हैं, कितने शिकार हो रहे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि किस स्थिति में मनुष्य की पल्स रेट 72 प्रति मिनट से अधिक हो जाती है। तो भोजन करते वक्त, दौड़ते समय ये पल्स रेट अधिक हो जाती है। पल्स रेट बोले तो हार्ट बीट, पल्स रेट इक्वल टू हार्ट बीट, हृदय की धड़कन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, शिशु में प्रति मिनट पल्स रेट क्या होता है। तो 120 से लेकर 160 प्रति मिनट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 के बाद हम लोग थोड़ा देखेंगे। मैंने हार्ट का चित्र दे रखा है, बहुत ही विहंगम चित्र है हार्ट का, और मैं समझता हूँ कि इसमें जितने ऑर्गन्स के नाम दिए गए हैं सबको पढ़ना तो संभव है, बट आपके लिए मैं समझता हूँ यह आवश्यक नहीं रहने वाला है। लेकिन थोड़ा सा अंगों को देखेंगे, इसके बारे में जानेंगे। आप इसमें हार्ट के 4 चैम्बर को देख रहे होंगे, 2 चैम्बर अगल बगल हैं जिसे दायां लिंद और बायां लिंद कहते हैं। ठीक इसके नीचे का जो भाग है जिसमें बिजली की तरंग के जैसा जो आप देख रहे हैं वह भाग नीचे वाला, वह इसका नीला कहलाता है, वेंट्रिकल कहलाता है। वेंट्रिकल 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है राइट, एक होता है लेफ्ट, और दोनों में क्रमशः रक्त का आना होता है। एक में अशुद्ध रक्त का आना होता है, एक में शुद्ध रक्त का आना होता है। अशुद्ध रक्त शरीर के सभी अंगों से आते हैं, शुद्ध रक्त फेफड़ों से आती है और धमनियों के द्वारा इसे पूरे शरीर में भेज दिया जाता है। उस धमनी का नाम है पल्मोनरी सिरा। आप कहेंगे सर आप कहते हैं धमनी में शुद्ध रक्त बहता है तो यह पल्मोनरी सिरा क्यों बोले। तो सर मैं आपको याद दिला लूं कि सिरा में हमेशा अशुद्ध रक्त बहती है, अपवाद है पल्मोनरी सिरा जिसमें शुद्ध रक्त बहती है। याद रखेंगे कि सभी धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, अपवाद है पल्मोनरी धमनी, अपवाद है पल्मोनरी धमनी जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। तो चलते हैं इसी क्वेश्चन के साथ आज के वीडियो को समाप्त करते हुए, विदा लेते हैं आपसे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त 2022। और फ्रेंड्स आपका जो प्यार मिला है, आपने जिस तरह से हमें प्रोत्साहित किया है उसी उमंग और उत्साह को बनाए रखेंगे। गलतियां
हमसे भी होंगी, गलतियां आपसे भी होगी, काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, एक एक थीम्स को कलेक्ट करना पड़ता है, एक एक थीम्स को टाइप करना पड़ता है, काफ़ी मेहनत के साथ आपकी कामयाबी के लिए, आपकी बेहतरी के लिए, आपके जीवन में खुशहाली लाने के लिए मैं प्रयत्न कर रहा हूँ। आप हमारे सपनों को साकार करेंगे और ईश्वर आपके सपनों में चार चांद लगाएंगे। ऐसी विश्वास के साथ हैप्पी डे 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे ऑफ टुडे 2022। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो।